गुड मॉर्निंग चुपनल, कैसे हो आप सब। आई एम उज्जवल सालुंके एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। जैसे मैंने पहले बताया हुआ था मेरे फर्स्ट वीडियो में कि एवरी वीकली मैं आपके पास आने वाला हूँ कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेटिव लेके। सो अब तक हमने बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, आपने देखे, आपने सपोर्ट किया। सो इस वीक मैं वापस आ चुका हूँ एक और नया वीडियो बना के, जिसका टॉपिक है खोखो। ठीक है, जैसे मैंने बाकी के मेरे वीडियोस बनाए थे उनमें कि कहीं में पुशअप्स का था, लाइक कहीं पे कबड्डी का था, योगासन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बना चुके। तो इस बार मैंने सोचा और एक अब हमारी फैमिलियर गेम है खो खो, उसके बारे में कुछ बनाया जाए। सो आई नो कि आप सबको पता है कि खो खो कैसे खेलना है, क्या खेलना है, बट ये वाला वीडियो थोड़ा सा इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपको डिटेलिंग के बारे में पता चले। जैसे कबड्डी कैसे खेलते आपको पता तो था, बट उसकी डिटेल्स लाइक पॉइंट कितने होते हैं, किस तरह से फाउल होता है, सामने रेफरी को किस तरह से बात करना होता है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता थी। आपको सिर्फ पता था कि पॉइंट इतना होता है, इस तरह से खेलना है बस, बट डिटेल बारे में नहीं पता था ना आपको, ग्राउंड के मेजरिंग के बारे में पता था। तो इसीलिए मैं इस बार खो खो का वीडियो लेके आया हूँ कि ताकि आपको डिटेल में बता सकूँ कि डिटेल खो खो में किस तरह से गेम खेला जाता है, क्या डिटेल्स होती है, किस तरह से पॉइंट का उसका रिव्यू होता है, फाउल का क्या होता है डिटेलिंग, कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या टीम में का मेंबर जो क्या इक्वली जो उनका जो होता है कि मैं अगर कैप्टन हूँ तो मेरी क्या प्रोसीजर रहेगा, मुझे किस तरह से टीम को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें डिटेलिंग में पता चले, इसीलिए इस बार का हमारा टॉपिक रहेगा खो खो पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल खो खो मैं आप सबको पता है कि 12 लोग हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, 12 में से 9 लोग ग्राउंड पर इन ग्राउंड होंगे, जैसे कि अगर बैठे हुए तो हमें 9 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी के जो है वो सब्स्टिट्यूट रहेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के बारे में मैंने बताया हुआ है कि वो लोग भी इक्वली टीम का हिस्सा होते हैं, टीम के मेंबर रहते हैं, बट सिर्फ ग्राउंड में हमें ज़रूरत होती है 9 लोगों की। ठीक है, 9 लोग किस तरह और क्यों वो भी आपको बताऊंगा कि उनका डिटेलिंग क्या था। अभी सिर्फ आप वर्बली देखिए कि मैं सुनिए कि उनकी डिटेल्स किस तरह होता है, उनमें बैठना किस तरह होता है। ठीक है, अगर 9 लोग जैसे ग्राउंड पे कर रहे हैं तो जो उनका एक कैप्टन है या फिर उनका जो प्लेयर डिसाइडेड है वो रहेगा पोल की तरफ, अपने पोल देखे होंगे ग्राउंड के स्टार्टिंग में इस तरफ और इस तरफ, और बीच में बैठने की जगह होती है, बट यहाँ पे जो पोल खड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो टीम का एक कैप्टन या फिर एक जो सिलेक्टेड प्लेयर है वो वहाँ पर खड़ा रहेगा और बाकी के जो 8 लोग बचे वो लोग ग्राउंड पे इक्वली जो मेजर किया हुआ होता है, जो जगह बनाई हुई होती है वहाँ पे बाकी के 8 लोग बैठने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे, एक ही लेवल में बैठेंगे? नहीं, एक प्लेयर का मुंह इस तरफ से होगा तो दूसरे का इस तरफ से। ठीक है, दोनों क्रॉस में खड़ेंगे, ऐसे रहेंगे, एक का मुंह इस तरफ, एक का मुंह इस तरफ, ऐसे 8 लोग बैठे हुए हैं, उनकी उस तरह से बैठने की ही सीक्वेंस को पूरे गेम में जज किया जाता है, उसमें से ही आपको पॉइंट्स निकालने होते हैं। ठीक है, रेफरी कोर्ट के बाहर खड़े के विसलिंग करेगा, एक प्लेयर पोल के पास खड़ा है, बाकी के 8 लोग वो बैठे हुए हैं ग्राउंड पे। ठीक है, अभी सामने अपोजिट टीम के 3 लोग ही एक साथ एंटर कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 करके अपोजिट टीम के सिर्फ 3 लोग ही एक बार में ग्राउंड में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, और 3 लोग आउट होंगे उसके बाद ही नेक्स्ट 3 प्लेयर्स इन हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि एक आउट हुआ तो दूसरे को तरह संतान लो, नहीं, ये काउंटिंग नहीं होगा, फाउल होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर एक टीम, जैसे मैंने आपको बताया है कि टीम ए टीम बी किस तरह से कितने प्लेयर होते हैं, उनको क्या करना होता है, मैंने एक छोटा सा डेमो आपके लिए बनाया हुआ है, इसे आप पूरा ग्राउंड में समझना है, दिस इज फॉर बेसिक नॉलेज। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज के लिए है और नेक्स्ट इसमें मैं आपको पूरा ग्राउंड वॉर बट सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है बेस की। अगर बेस ही पता नहीं होगा तो पूरा ग्राउंड अगर मैं बना के दे दूंगा तो स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चलने वाला। ठीक है, सो ये मैंने कुछ बेस बनाया हुआ है, होप से आपको दिख रहा हो, होप से आपको पता चल रहा हो, और ये सिर्फ एक
एक लेवल तक की नॉलेज के लिए है, इसको फाइनल ग्राउंड या फाइनल चीज मत समझना या फाइनल ग्राउंड का लेआउट मत समझना, दिस इज फॉर ओनली बेस, ये है बेस। मैं आपको बता रहा हूँ और ये शायद से आपको रेलवे की लाइन लग रही होगी बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये है ग्राउंड, ये मैंने कुछ प्लेयर्स बना के रखे हुए, मैं उनकी डिटेल्स पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे 8 लोगों का मैंने शायद से अगर आपको दिख रहा है तो एरो दिख रहा होगा, ठीक है, आई काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 लोगों का हुआ। और जैसे मैंने बताया था एक बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा, यहाँ पे ये दोनों है पोल हमारे, ठीक है, इन्हें आप पोल समझ सकते हो, यहाँ पे कैप्टन या फिर सिलेक्टेड बंदा खड़ा रहेगा दिस वन, ठीक है, यहाँ पे एक और ये बैठे हुए 8 लोग। इफ यू कैन सी तो आपको ये एरो पता चल रहे होंगे, ठीक है, ये एरो नीचे की तरफ है, ये एरो ऊपर, ये एरो इसलिए है कि इस हिसाब से इस कोऑर्डिनेशन में प्लेयर्स बैठेंगे, ठीक है, एक का फेस इस तरफ है, दूसरे का फेस दूसरी तरफ है, ठीक है, उसी तरह से ये है हमारा टीम बी के और प्लेयर्स नौ प्लेयर्स जो लोग टॉस जीत चुके हैं। और ये जो 1, 2, 3 आपको पता चल रहा है, ये है हमारी टीम ए के प्लेयर्स, ठीक है, जो भागने के लिए अंदर की और भागने के लिए आए हैं, टीम ए एंड टीम बी, चेजर एंड जिनको चेस करना है टीम दूसरी टीम को, ठीक है। सो और एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, वन टीम बी जो टॉस जीते होंगे इन्हें पकड़ना है, ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है, उस आप जब भी खोखो के कोर्ट पर जाओगे तभी भी इसी तरह से पूरा मार्किंग किया हुआ रहेगा, ठीक है, ये जो सिंपल बेस है अभी भी बता रहा हूँ, ये बेस है, ये फाइनल लेआउट नहीं है ग्राउंड का, ठीक है। सो एक बार देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं आपको प्रॉपरली ग्राउंड बना के उसका मेजरिंग क्या होता है उस तरह से बताने वाला हूँ, बट अभी एक लेवल के नॉलेज के लिए ये सही है, ठीक है। 9 लोग ग्राउंड में है और 3 लोग जो दौड़ने वाले हैं, ठीक है, टीम ए और टीम बी। विसल स्टार्ट होने के बाद 3 लोगों को मैंने यहाँ से एंटर किया, ये 3 यहाँ पे है, विसल स्टार्ट होगी तो यहाँ का जो प्लेयर है वो सीधे ही दौड़ सकता है और वहाँ से टच करके या तो फिर वापस आ सकता है या तो फिर पूरा सर्कल उसे लेना है, बट ये जो 1, 2, 3 है वो लोग अंदर से zigzag में से कहीं से भी भाग के अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, बट जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग उनको स्ट्रेट ही दौड़ना है, या तो फिर अगर ये यहाँ पे प्लेयर है और यहाँ से मैं भागते हुए आ रहा हूँ तो मुझे इसे खो देना है या इसे खो देना है, ठीक है। सो अगर मैं इस तरफ दौड़ रहा हूँ और मेरे तरफ इसकी जिसकी पीठ होती है ना, पीठ अगर मेरी जिसकी तरफ है तो वही मुझे खो दे सकता है, ठीक है, अगर मैं इस तरफ का मुंह करके बैठा हूँ और यहाँ से गया तो मुझे खो नहीं मिलेगा, मुझे खो देना होगा किसी और को। अगर मैंने बाय चांस किसी और को खो दे दिया तो जो रेफरी होगा वो विसल बजा के मुझे फाउल दे सकता है, ठीक है। सो दिस इज द बेस लेआउट ऑफ आवर खोखो ग्राउंड, ठीक है, ये आप देख लो 9 लोगों की पोजीशन क्या होता है, किस तरह से बैठना होता है, डिटेलिंग क्या है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके रखना, अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता पूछूंगा तो नहीं ऐसे, बट फिर भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि अगर सामने वाली टीम ने अगर फाउल किया है तो उसे कितने पॉइंट मिलेंगे या कितने पॉइंट का फाउल उन्हें मिलेगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि बॉयज के लिए खोखो के ग्राउंड का मेजरिंग क्या होता है, ये तो आपको पता चला, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में पूरा लेआउट बना के रखूँगा और इसी वीडियो के एंड में मैं 2-3 फोटोग्राफ्स या फिर वीडियो में ऐड करने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और डिटेल में पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लेना ये वीडियो, और वीडियो का मतलब फिर से एक बार देख लो ये लेआउट कि आपको पता चले, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्रॉपरली कितना ये जो गैप होती है ये कितने मीटर्स की होती है, पूरा ग्राउंड टोटल कितने इंच उसको मीटर्स का होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और जो मैंने दो क्वेश्चंस बताए उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा सा अगर आपके क्लासेस खत्म होते हैं तो थोड़ा सा नेट यूज़ करके गूगल भी आप ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई बुक्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, जिससे आपकी आपका पर्सनल नॉलेज आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। सो आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, विद द डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोकोग्राम, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, गुड डे, स्टे सेफ।